तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी पहली वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सर उस्ताद जी, ये बताइए इस फ्लोरिंग के बारे में, फ्लोरिंग कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी फ्लोरिंग होती हैं? ये जो फ्लोरिंग है ये कैसी फ्लोरिंग है बताइए। बहुत बढ़िया फ्लोरिंग है, बल्कि बर्फी वाला डिजाइन है जी, आप देख सकते हो जी। ये बर्फी वाला है, इसमें पानी वानी जैसे हाँ गिरेगा तो बदबू भी नहीं आएगा, गाड़ी में साफ हो जाता है, कीचड़ ईचड़ वाले पैर भी आता है बिल्कुल साफ हो जाता है। हाँ, कारपेट जैसे गंदा हो जाता है वैसे गंदा नहीं होगा। हाँ, और तो आप साफ करने में इजी रहेगा बिल्कुल। तो ये कस्टमर को फ्लोरिंग हर किसी गाड़ी में करानी चाहिए या नहीं? हर गाड़ी में करानी चाहिए ना। तो अभी ये बताइए स्टेयरिंग कवर के बारे में, ये जो आप स्टेयरिंग कवर लगा रहे हो, ये स्टेयरिंग कवर कौन सी कपड़ा है, क्या क्वालिटी है इसमें? ये स्टेनलेस लेदर है और ये ना बहुत ही अच्छा ओरिजिनल स्टिचिंग है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। मैंने वो तो देख रहा हूँ स्टिचिंग, ये बारीक तरीके से सिलाई किया हुआ है, जैसे कि कोई भी लोकल स्टेरिंग कवर लगाओगे तो उसमें ऐसा गेटअप नहीं आएगा। और क्या इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये फिटिंग भी नहीं आएगी ऐसी उसमें। तो ये हमारे उस्ताद जी हैं। सर आप उस्ताद जी, आपका नाम क्या है? अमृत लाल जी, बहुत मुस्कुराहट आपके चेहरे पे। मैं इसी के साथ में आपसे पूछना था, ये हमारे साथ स्कॉर्पियो खड़ी है, इसी में हमारा ये कंपनी प्रिडिट सिस्टम लगा हुआ है, हमें कोई ना ही स्टूडियो लगवाना है और ना ही आपको हमें स्पीकर चेंज कराने, इसी के साथ हमें बेस चाहिए, इसके लिए क्या क्या लगवाना चाहिए हमें? हमारे को एक एम्पलीफायर लगाएंगे जी, और एक हम इसके साथ एक गेट ट्यूब अटैच करेंगे जी, जिससे हमारी गाड़ी के अंदर और अच्छी आउटपुट आ जाएगी बेस, और गाड़ी के अंदर जिस हिसाब से कस्टमर चाहते हैं कि हमारे को थोड़ी बेस ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से आपको पूरी सेटिंग करके देंगे। तो अब आप इस गाड़ी में कौन सा एम्प लगा रहे हैं और कैंस कौन सा बेस ट्यूब लगा रहे हैं, ये हमें बता दीजिए। बूफर कौन सा है, क्या चीज़ है? V2 12 का हम एम्पलीफायर लगा रहे हैं जी। ठीक है जी। और कितने चैनल का ये आपका एम्प है? 2 चैनल का एम्पलीफायर है जी। ये कौन सा है? ये V2। ये V2 का आपका एम्प है और 2 चैनल V2L का आपका ये एम्प है, 2 चैनल का एम्प है आपका। और ये आपकी जो बूफर है ये कौन सा बूफर है? ये सोनी सोनी का बूफर है। कितने वाट है ये? ये 1800 वाट जी। ये 1800 वाट है सोनी का बूफर जी। बेस अच्छी आएगी बिल्कुल, बहुत मजा आएगा कस्टमर को जी बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बूफर और जो इन्होंने एम्प लगाया है उसकी आपको साउंड सुनाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए उसका साउंड, ये इनका बेस ट्यूब है और जी क्या कहते हैं V12 का छोटा 2 चैनल एम्प है, ये एम्प होता है और ये उस्ताजी ने फिटिंग कराया है। इनका नाम अमलाल जी है और ये फिटिंग अच्छी बहुत अच्छी करते हैं। और मैं अभी इसी के साथ आपको दिखाऊँ लाइटिंग, जो ये डिस्को लाइट होती है ये म्यूजिक के साथ भी चलती है, और जी जैसे म्यूजिक चलेगा वैसे ही आपकी लाइट चलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट इसमें बहुत सारे कलर हैं। तो उस्ताद जी, ये आपने कैसे फिट करी और क्या है ये? मैंने 2 आगे आपके पैरों में करी है और 2 आपकी सीट में बैक में फिट की है जी। ये लाइट है जी, जैसे म्यूजिक चलेगा म्यूजिक के साथ ही लाइटें चलेंगी। हाँ, कितने कलर होंगे इसके अंदर? ये म्यूजिक के साथ चलेंगे चारों लाइटें। नीचे मैंने आपके रनिंग बोर्ड में भी लाइटें लगाई है, वो भी म्यूजिक के साथ चलेंगी जी। कस्टमर की जैसी चॉइस होती है वैसे ही करके देना पड़ता है कस्टमर को। ये इसके अंदर 7 कलर है सर, आप 7 कलर, आप 1 कलर भी चला सकते हैं और आप 1 कलर भी चला सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे कलर चला सकते हैं। ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है या वैसे हार्ड है? फ्लेक्सिबल लाइट है ये, आप इसको मूव में भी कर सकते हो, मोड़ सकते हो। तो इसको पर पैर रखा जाए तो कुछ टूटे कुछ नहीं, नहीं होगी? आप इसको पर पैर रख सकते हैं, पैर रखे भी कोई वो नहीं होगा लाइट के ऊपर। आप ये गाड़ी की सीट के नीचे रखी हुई लगी रहेगी तो इसको आपकी आपको रोशनी दिखाई देगी।